नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। खबर रामपुर से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने रामपुर में विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जिला अधिकारी की ओर से नगर मजिस्ट्रेट ने नैनीताल हाईवे पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। ज्ञापन में कहा गया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क भारत में जिस तरह भाजपा की शह पर गुंडे लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबरा कर कल जिस तरह एक नफरत फैलाने वाली फिल्म कश्मीरी फाइल्स का समर्थन करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के आवास पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य और उनके गुंडों ने पुलिस के संरक्षण में जानलेवा हमला किया। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर हमला करने वाले भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य सहित उनके समर्थक गुंडों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी बड़े आंदोलन करने के फिराक में है। कश्मीरी फाइल्स फिल्म को लेकर उसको मुद्दा बनाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश के अंदर एक नफरत का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, वो बेहद शर्मनाक है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्य और उनके समर्थक गुंडों ने जिस तरीके से उनके घर पे जाकर उत्पात मचाया, जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, उनके सिक्योरिटी बूम बैरियरों को तोड़ा गया, उनके घरों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा गया और उनके दरवाजे पर कालक पोती गई, साथ साथ उनके घर में प्रवेश करने का प्रयास किया, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से डर लगता है तो वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली में नहीं हरा पाए, पंजाब में नहीं हरा पाए, तो अब भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को रास्ते से हटाना चाहती है। उनकी हत्या की खतरनाक साजिश रचने की कोशिश दिल्ली के अंदर अपने सांसद के द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने विरोध स्वरूप आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर ऐलान किया था। आज रामपुर के अंदर हमने विरोध प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को भेजा है। उसमें हमने मांग की है कि कल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हमला हुआ, देश की राजधानी में एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के ऊपर उसके परिवार को दहशत के अंदर मुब्तला किया गया, अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके बूढ़े माँ बाप, उनकी बीबी और बच्चे उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त वहां पर कुछ दहशत गर्दों ने जाकर हमला करने का प्रयास किया। वो तथाकथित दहशत गर्द भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं। उनके खिलाफ दिल्ली के अंदर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके गुंडों के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास पर हमले होंगे तो आम आदमी अपने आप को कहां सुरक्षित महसूस करेगा इस लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर। आज जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, उससे पूरी दुनिया के अंदर भारत गणतंत्र राज्य का मजाक उड़ रहा है। मैं भारत के राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करता हूँ कि अति शीघ्र तेजस्वी सूर्य के ऊपर मुकदमा कायम हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि इस तरीके के कृत्यों को आने वाले टाइम में रोका जा सके। ऐसे ही तमाम खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24।